नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर आज हम बात करेंगे यूपी ट्रबलसी मंडी परिषद एग्ज़ाम को लेकर, कैसे करें तैयारी कि पहली बार में यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाए, सिलेबस इसका क्या है, कट ऑफ क्या जा सकता है और क्या क्या पढ़ें सिलेक्शन के लिए, उन सभी बातों के बारे में यहाँ पर हम करेंगे बात। फ्री में आप कैसे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मंडी परिषद एग्ज़ाम के लिए, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। सभी बातों को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, इसके अलावा मैं अन अकेडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए अन अकेडमी के लर्निंग ऐप और मेरा नाम सर्च करके वहाँ पर मुझे फॉलो करें। वहाँ से आप जो है PDF और वीडियो दोनों चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो UP SSC एग्जाम, मंडी परिषद, इलाहाबाद हाई कोर्ट व अन्य एग्जामों की PDF और वीडियो को डाउनलोड करने के लिए आप लोग डाउनलोड कीजिए अन अकेडमी का लर्निंग ऐप और मेरा नाम सर्च करके वहाँ पर आप मुझे फॉलो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट व नोटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपका जो पाठ्यक्रम है और इसका जो सिलेबस है, ठीक है। तो प्रस्तावित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, देखिए यहाँ पर आपका जो सामान्य बुद्धि परीक्षण है 50 प्रश्न आएंगे, 100 अंक आपका रहेगा। सामान्य ज्ञान 50 क्वेश्चन 100 अंक, सामान्य विज्ञान और अंक गणित 50 क्वेश्चन 100 अंक, सामान्य हिंदी 50 क्वेश्चन 100 अंक। टोटल यहाँ पर आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 400 आपके रहेंगे अंक, 2 घंटे का यहाँ पर आपका रहेगा समय, ठीक है। अभी अगर आपने युवा कल्याण का पेपर दिया होगा तो आपका जो युवा कल्याण का सिलेबस था ठीक वैसा ही यहाँ पर आपको इसका पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपका एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर आपका जो निगेटिव मार्किंग है 1/2 है, तो इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। यहाँ पर आपका जो इसका पाठ्यक्रम है यानी कि आपका जो ये पूरा सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो अभी आपने जो पेपर दिया है वीडियो एग्जाम युवा कल्याण एग्जाम, सेम ऐसा ही यहाँ पर आपका आने वाला है रीजनिंग का पूरा पोर्शन, ठीक है। तो कम से कम यहाँ पर आपको 2 से 3 घंटा डेली नियम से आपको यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है और मैं लगातार यहाँ पर आपको वीडियो देने वाला हूँ मंडी परिषद एग्जाम के लिए, ठीक है। रीजनिंग का, GK का, साइंस का, मैथ का, हर टॉपिक के वीडियो मैं यहाँ पर लगातार आपको देने वाला हूँ। आपको सभी लेसन को अच्छे से फॉलो करना है और उनका PDF भी आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्शन आपका कैसे होगा, 2 से 3 घंटा अभी से अगर आप अपना रीजनिंग को देंगे तभी यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। जैसा आपका पेपर आया है वीडियो का या युवा कल्याण का, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर तैयारी अपनी करेंगे। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान में आपका जैसा वीडियो का पेपर था, जैसा युवा कल्याण का था, वही सारे टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। कंप्यूटर आपका है, उत्तर प्रदेश का GK है, इसके अलावा आपका अनुशासन नैतिक वाले आपके प्रश्न होंगे, ठीक है। भारत का आपका जो इतिहास हो गया, भारत का भूगोल हो गया, ठीक है। इंडियन पॉलिटी आपका हो गया, आपका जो अर्थव्यवस्था उससे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। और आपका करंट अफेयर हो गया और कृषि, इनसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेली नियम से यहाँ पर आपको जो है 2 घंटा कम से कम अपने GK पर आपको देना है, कम से कम 2 घंटा देना है तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो यहाँ पर जो चीज़ें आपकी जुड़ गई हैं वो आपका है सामान्य विज्ञान और अंग गणित, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान में क्या करना है, आपको जीव विज्ञान, रसायन और भौतिक विज्ञान पर अच्छे से ध्यान देना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, बीमारी, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से यहाँ पर आपको तैयारी करना है। तो कम से कम यहाँ पर 1 घंटा कम से कम डेली यहाँ पर आपको साइंस पर काम करना है, यानी कि आपको ये पूरा जो विज्ञान का पोर्शन है कम से कम 1 घंटा डेली यहाँ पर आपको। अगर यहाँ पर हम बात करें प्रारंभिक गणित के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एज के क्वेश्चन होंगे, ये सभी आपके टॉपिक पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 घंटा कम से कम आपको डेली मैथ पर देना है और मैं आपको लगातार यहाँ पर इस पर लेसन देने वाला हूँ जल्दी से, यानी कि 27 तारीख से आपको इस पर लगातार वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में अभी आपका जो हिंदी है सेम आपका हिंदी जैसा आपका वीडियो में हिंदी था, जैसा आपका युवा कल्याण में हिंदी था, सेम वही आपका पूरा ये हिंदी का पोर्शन आपका रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको हिंदी में जो है कम से कम 2 घंटा आपको हिंदी को देना है, अच्छे से हर एक टॉपिक को यहाँ पर आपको तैयार करना है। किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैंने आपको अन अकेडमी पर पूरा इसका कोर्स दिया है हिंदी का, उसको अच्छे से वॉच कर सकते हैं। YouTube पर मैं लगातार आपको हिंदी के लेसन्स को कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। डेली आपको 1
वीडियो हिंदी का मिलेगा और आपको उसी तरह से डेली नियम से आपको फॉलो करते रहना है और जितने भी टॉपिक आपके हैं वो सभी यहाँ पर कवर हो जाएंगे हिंदी के, ठीक है। तो 27 तारीख से आपको लगातार इस पर लेसन मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो चयन है यानी कि आपका जो लिखित परीक्षा है, ये आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं, यानी कि आपका परीक्षा जो है ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों ने यहाँ पर जो है यानी कि आशुलिपिक कनिष्ठ सहायक के लिए अगर अपना विकल्प दिया है उनको यहाँ पर टाइपिंग आना अनिवार्य है, यानी कि उनको यहाँ पर टाइपिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ मेन मेन बातें हैं और यहाँ पर अब हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, यानी कि 27 तारीख से रेगुलर आपको यहाँ पर क्लास मिलेगा मंडी परिषद एग्जाम के लिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ को फॉलो करना है। पीडीएम मैं लगातार यहाँ पर आपको देता रहूँगा, आपको डेली के नियम से यानी कि डेली के हिसाब से आपको जो पीडीएम मिलेगा उसको आपको यहाँ पर तैयार करना है। और अन अकेडमी पर मैं आपको यहाँ पर फ्री में पूरा क्रैश कोर्स देने वाला हूँ, किसके लिए, मंडी परिषद के एग्जाम के लिए। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और सभी लेसन्स को अच्छे से वहाँ पर आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है, मंडी परिषद एग्जाम के लिए। तो जल्द ही वहाँ पर मैं क्रैश कोर्स पूरा देने वाला हूँ, तो आपको वहाँ पर लाइव देखने को मिल जाएगा और जो पीडीएफ है उसको यहाँ पर अच्छे से डाउनलोड करेंगे। और यूट्यूब पर मैं लगातार आपको यहाँ पर जो भी आपके लेसन्स हैं इम्पोर्टेंट या आपके टॉपिक रहेंगे उनको यहाँ पर हम कवर करवाएंगे, ठीक है। तो 27 तारीख से लगातार आपको वीडियो मिलेगा मंडी परिषद एग्जाम के लिए। अगर हम बात करें कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ पर आप एक बात अपने दिमाग में लेकर चलें कि आपको यहाँ पर अपना बेस्ट देना है और आपको अपने दिमाग में ये बात लेकर चलना कि आपको यहाँ पर 70% से ऊपर नंबर यहाँ पर गेन करने हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर प्लान अपना बनाना है कि आप लोगों को यहाँ पर ऐसा प्लान बनाना है कि आप यहाँ पर 70% से ऊपर नंबर लेकर आएँ। उसके लिए आपको हमने बता दिया है कि आपको रीजनिंग के पोर्शन को 2 घंटा आपको देना है, जीके को आपको जो है जीके का जो पोर्शन है उसको आपको 2 घंटा देना है डेली नियम से, आपके जो साइंस का पोर्शन है 1 घंटा देना है, मैथ को यहाँ पर आपको 1 घंटा देना है और हिंदी को आपको यहाँ पर 2 घंटा देना है, ठीक है। तो 2, 2, 4, 2, 6, 8 घंटे यहाँ पर आपको अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है और अच्छे नंबर लाना है, ठीक है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा है कि किस तरह का आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछे गए हैं वीडियो के एग्जाम में, ठीक है। तो काफ़ी पेपर आपका जो है लेंथी पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत अच्छे से लगातार अगर यहाँ पर आप अच्छी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जरूर यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और दिमाग में रखें कि यहाँ पर आपको 70% से ऊपर नंबर लाना है, उसके लिए यहाँ पर आपको प्लान बनाना होगा और उसी हिसाब से यहाँ पर आपको तैयारी करना होगा, ठीक है। मैं आपको अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपकी जो बेस्ट बुक्स हैं कौन सी, आप यहाँ पर किताबें ले लें जो बेस्ट हैं आपके मंडी परिषद एग्जाम के लिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में।